अभी हम लोग बात करने वाले हैं पेपर सेकंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लेक्चरर का हुआ है एग्ज़ाम 22 दिसंबर। तो पहले का हो जाएगा सी, सेकंड का हो जाएगा ए आर्टिकल 72, थर्ड का हो जाएगा ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का हो जाएगा डी रोशन सिंह, सिक्स का सी अंशु मलिक और सेवन्थ का हो जाएगा ए, एट्थ का हो जाएगा बी, नाइन्थ का डी हो जाएगा और टेंथ का बी, इलेवंथ का बी एन एम लोखंडे और ट्वेल्थ का हो जाएगा बी 1952, थर्टीनथ का बी, फोर्टीनथ का सी हो जाएगा और फिफ्टीनथ का ए, सिक्सटीनथ का डी, सेवनटीनथ का सी हो जाएगा, एटीनथ का बी एन राव, नाइनटीनथ का हो जाएगा 11 मार्च और 20 का हो जाएगा ए, 21 का हो जाएगा बी, 22 का हो जाएगा सी, 23 का हो जाएगा ए, 24 का हो जाएगा सी, 25 का सी, 26 का हो जाएगा सी, 27 का लैमिनर, 28 का बी, 29 का ए, वॉल्यूम बैलेंस कर देना हीट ट्रांसफ़र से, 30 का हो जाएगा केबिन प्रेशर, 31 का हो जाएगा बी सिस्टम सराउंडिंग दोनों को ऐड कर देंगे रिवर्सिबल आ जाएगा, 32 का हो जाएगा आउटलेट ऑन द कन्वेक्स साइड, बहुत लोग कॉनकेव साइड बोलेंगे लेकिन कॉनकेव साइड होता है पंप के लिए और यहाँ पर टरबाइन पूछा है तो सी हो जाएगा, 33 का हो जाएगा सी और 34 का हो जाएगा बायोट नंबर, एच एल वाई के होता है तो एच सिग्निफाई करेगा फिल लगाना है कि नहीं लगाना है और के अंदर का ही ट्रांसफर बताएगा, 35 का हो जाएगा ए, 36 का हो जाएगा बी, 37 का हो जाएगा डी, 38 का इसमें थोड़ा डाउट है 0.4 to 0.7 अराउंड कई जगह पर मिलता है बट अगर देखा जाए तो एक्यूरेट वैल्यू होगी 0.6 to 1.8 mm, तो डी ऑप्शन मैच करेगा, 39th का डी, 40th का देखिए 40th में भी डाउट है थोड़ा सा, ये से प्रीवियस ईयर है तो वहाँ 1-2 एलॉन दिया है लेकिन अगर इंटरनल जनरेशन और T1 टेम्परेचर आप ज़्यादा रखोगे तो भी ऐसा कर्व बन सकता है और अनस्टेडी में भी बन सकता है पर ESC में ए दिया है तो ए ही मुझे लगता है आंसर ये लोग भी देने वाले हैं। फिर 41st का हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, 42nd का हो जाएगा बी और 43rd का हो जाएगा बी, देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन BC नहीं देखना है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन ऐसा बना हुआ है कि स्ट्रेट लाइन लगता है तो होगा यही बी ऑप्शन। फिर 44th का हो जाएगा 0.25, यहाँ पर VF/2U और 10 वाला जो फार्मूला होता है उसको लगाना है एक्सीएल के केस में तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 डी हो जाएगा। 45th का हो जाएगा ए, 46 का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा बी, 47 का हो जाएगा बी, 48 का हो जाएगा बी, 49 का ए हो जाएगा, 50 का हो जाएगा ए सॉरी बी, 50 का बी हो जाएगा 40 meter per second और 51 का हो जाएगा सी, 52 का हो जाएगा 1367, 53 का हो जाएगा 2, 54 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 55 का सी, 56 का हो जाएगा स्मॉलर इज़ द प्रोपल्शन एफिशिएंसी तो बी ऑप्शन होगा 56 का, 57 का हो जाएगा डी, 58 का सी, 59 का NH3 हो जाएगा और 60 का कैविटेशन, 61 का बी और 62 का देखिए इसमें भी थोड़ा सा डाउट है अगर पी प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर 3/2 होता है और एच अपॉन एन डी टू द होल स्क्वायर होता है, एन कांस्टेंट रखेंगे तो एच प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम पुट करेंगे पी वाले में तो पी प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब होगा, लेकिन ये IIT JEE में भी आ चुका है ये क्वेश्चन तो उसका आंसर जो दिया था वो डी दिया था, डी टू द पावर 4, तो डी टू द पावर 4 भी हो सकता है क्योंकि जैसे अगर पावर इज इक्वल्स टू हम लोग रखते हैं रो क्यू जी एच तो क्यू प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर और एच प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी टू द पावर 4 तो डी ऑप्शन होगा। फिर 63 में यहाँ पर हीटिंग का केस बोल रहा है तो 0.4 हो जाएगा सी ऑप्शन, 64 का ए और 65 का सी, 66 का ए और 67 का सी हो जाएगा, 68 का बी, 69 का देखिए मल्टी स्टेजिंग आप सेंट्रीफ्यूगल में भी कर सकते हो, अगर हमको ज़्यादा हाई मास फ्लो रेट और ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल भी हम लोग यूज़ करते हैं तो इस वजह से पहला गलत हो गया और हो जाएगा डी ऑप्शन 69 का। 70 का हो जाएगा सी, 71 का बी, 72 का लेस देन 1, देखिए हमेशा हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ एच कम रहेगा तो इस वजह से न्यूमरेटर एच कम रहना चाहिए मतलब लेस देन 1, तो 72 का सी हो जाएगा, 73 का हो जाएगा सी, 74 का सी, 75 का डी, 76 का सी, ESC प्रीवियस ईयर है, 77 का बी, सब ESC के हैं मैक्सिमम, इसमें 78 का हो जाएगा
लोअर इग्निशन डिले बी ऑप्शन 79 का हो जाएगा, ऑलवेज चोक्ड क्योंकि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बनेगा तो बिना चोक के वो आप नहीं बना सकते तो चोक होगा ही, इस वजह से इज ऑलवेज चोक्ड। 80 का हो जाएगा सी, 81 का हो जाएगा 1.2, 82 का हो जाएगा ए, 83 का हो जाएगा 1/9, 84 का पॉइंट फंक्शन लेंगे तो ए ऑप्शन होगा और यही सही है। 85 का हो जाएगा सी, 86 का हो जाएगा सी, 87 का ए। देखिए इसमें इस तरीके से जाना है हमको, एच एल इज इक्वल्स टू एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन डी टू पावर 5, तो लैमिनर टर्बुलेंट दोनों के लिए रहता है और उस वजह से टर्बुलेंट के लिए भी 32 टाइम्स होगा। और 88 का हो जाएगा सी, 89 का हो जाएगा डी, 90 का हो जाएगा सी और 91 का बी, 92 का डी, 93 का डी, 94 का बी। यहाँ पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, एल अपॉन डी प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर होता है और रेनॉल्ड नंबर 1/μ होगा तो म्यू कम करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी एंट्रेंस लेंथ की। और ये तो वैसे भी आ रहा है कि स्मॉल डायमीटर है तो हाई वेलोसिटी सी और डी लगभग सेम है, इस वजह से सी डी होगा नहीं, ए और बी में से ही एक चुनना था, बी होगा। 95 का हो जाएगा सी, 96 का ए, 97 का ए, 98 का सी, 99 का डी, 100 का 60:1 होता है, डी ऑप्शन होगा, 101 का सी, 102 का ए, और क्योंकि अगर 102 में अगर फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है तो ऑलरेडी हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा रहेगा तो क्यों हम लगाएंगे फिन्स, तो इस वजह से ए। और 103 का सी, 104 का डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 105 का डी, 106 का 0.433, 107 का सी हो जाएगा, में इंक्रीज और डिक्रीज ग्राफ बनाएंगे तो आ जाएगा उससे। 108 का हो जाएगा बी, 109 का ए, 110 का ए, 111 का डी, 112 का सी, 113 बी, 114 का हो जाएगा 2K/H, 115 का 100%, 116 का हो जाएगा 1, 2, 3 ऑल ऑफ द वो, 117 Q/√H, 118 का हो जाएगा डी, 119 का हो जाएगा डी, 120 का हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है बी होगा क्योंकि अगर एक सिस्टम में कुछ इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल है तो एक सिस्टम कि इंट्रोपी के बारे में, सिस्टम के बारे में इंट्रोपी जो बताएगा तो वो सिस्टम का बताएगा ना कि सराउंडिंग का, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल वो एक सिस्टम के नज़रिए से रहता है, इस तरीके से कुछ है। बट बहुत सारे लोग इसमें सी भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि बी होना चाहिए। फिर 121 का सी हो जाएगा और 122 का ए, 123 का दोनों को ऐड कर देना है, ए ऑप्शन हो जाएगा और 124 का सी, 125 का हो जाएगा डी।